दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन कप्तान मानते हैं, तुम्हारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 में सभी टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन चेन्नई की टीम का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा बेकार देखने को मिला। लेकिन मुंबई के खिलाफ महामुकाबले में चेन्नई की तरफ से बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की शानदार कप्तानी देखने को मिली है, जिसे देखकर सचिन तेंदुलकर हैरान हो गए। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा अपने बयान में। लेकिन उससे पहले, सचिन और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 33वें मुकाबले में आईपीएल की दो बड़ी टीमें चेन्नई और मुंबई आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी, जिसमें चेन्नई की कप्तानी रविंद्र जडेजा ने करी, तो वहीं मुंबई की कप्तानी रोहित शर्मा ने करी। और चेन्नई के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए मुंबई को आमंत्रित किया, और ओपनिंग करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन आए, और चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मुकेश चौधरी आए, और चेन्नई की तरफ से मुकेश चौधरी ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए एक ही ओवर में, आपको बता दें कि पहले कप्तान रोहित शर्मा को और फिर ईशान किशन को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, और इसके बाद बेबी एबी डिविलियर्स के नाम से मशहूर ब्रेविस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और इस तरीके से शानदार कप्तानी के तहत महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए अपने खतरनाक गेंदबाज, जो कि इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको बार बार भेजा, और इस मुकाबले में शानदार कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा देखी गई। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा अपने बयान में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के और दुनिया के सबसे खतरनाक कप्तान है, और जब भी ये टीम का हिस्सा होते हैं तो टीम अपने आप में खतरनाक हो जाती है, और इस समय तो महेंद्र सिंह धोनी अपना खतरनाक कप्तानी से मुंबई की टीम को पूरी तरीके से परेशान कर रहे हैं, और रविंद्र जडेजा तो नाम मात्र के कप्तान है और कप्तानी तो महेंद्र सिंह धोनी ही कर रहे हैं, और अजीबोगरीब फैसले लेते हुए चेन्नई की टीम को बढ़ोतरी दिला रहे हैं, और वहीं इस मुकाबले में दिल जीतने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, और जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में किया है, ऐसी कप्तानी अगर पिछले 5 मैचों में देखने को मिली होती तो चेन्नई की टीम लगातार जीत रही होती। लेकिन अब चेन्नई की स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक है, जिस कारण से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने भविष्य की चेन्नई की टीम को बनाने के लिए कुछ हैरतअंगेज फैसले लेते हुए नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। तो वहीं अपने उम्रदराज और अनुभवी खिलाड़ियों को, जिनका प्रदर्शन नहीं आ रहा है, उनको टीम से बाहर करने का फैसला लिया है, और ये कुछ हद तक सही भी हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने मुकेश चौधरी को अपने भरोसे पर टीम में रखा, उनके द्वारा ऐसा खतरनाक प्रदर्शन करवाया गया, वास्तव में ये बेहतरीन कप्तानी की निशानी है, और अगर महेंद्र सिंह धोनी ऐसी ही खिलाड़ियों पर बेहतरीन प्रदर्शन करवाते रहे तो चेन्नई की टीम भविष्य में और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।